हमारा टॉपिक है बिकोविट्स एंड विलियम्स नॉलेज मैनेजमेंट साइकिल इसकी इंट्रोडक्शन पर हम बात करेंगे बिकोविट्स और विलियम्स ने ये पॉपुलर और कॉमन साइकिल या फ्रेमवर्क अपनी एक किताब में दिया था जिसका टाइटल है द नॉलेज मैनेजमेंट फील्ड बुक और ये प्रिंटिस हॉल ने सन 2000 में पब्लिश की इस फ्रेमवर्क में उन्होंने इस बात पे फोकस किया कि हाउ ऑर्गेनाइजेशंस जनरेट टें एंड डिप्लॉय आ स्ट्रेटिकली करेक्ट स्टॉक ऑफ नॉलेज टू क्रिएट वैल्यू इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से क्रिएट करती हैं अपने पास मेनटेन रखती हैं और उसके बाद स्ट्रेटिकली उसे यूज़ करती हैं उस नॉलेज को और वो नॉलेज स्ट्रेटजिकली करेक्ट होना चाहिए उसको स्ट्रेटिकली करेक्ट बनाते भी हैं और फिर उसके नतीजे में वैल्यू क्रिएट करते हैं इसमें यह है कि के एम इनिशियटिवस आर द रिज़ल्ट ऑफ द रिस्पॉन्स टू टैक्टिकल एंड स्ट्रेटजिक चेंजेस एंड नीड्स यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि टैक्टिकल के मीनिंग एट द लेवल ऑफ मिडल मैनेजर्स और स्ट्रेटजिक का मतलब है एट द टॉप मैनेजमेंट लेवल तो इन दोनों लेवल्स पे जो इनिशिएटिव्स होते हैं उसके रिज़ल्ट के तौर पर नॉलेज मैनेजमेंट होती है Uh, यह मॉडल हमें प्रोवाइड करता है एन ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रेटजी बिहाइंड नॉलेज मैनेजमेंट एंड डिपिक्स द प्रोसेस दैट डिफाइंस द मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू बिल्ड सस्टेन डाइवेस्ट एंड एनहेंस एसेट्स इस मॉडल में टेक्टिकल uh, प्रोसेस पे फोकस uh, किया गया है टेक्टिकल प्रोसेस ऑफ गेट यूज़ लर्न एंड कंट्रीब्यूट इस मॉडल में वाई और वैन के जो आस्पेक्ट्स हैं इन पर फोकस किया गया है कि नॉलेज क्यों जनरेट होता है और कब जनरेट होता है और क्यों यूज़ किया जाता है और कब यूज़ किया जाता है तो ये वाई और वैन के आस्पेक्ट्स को इस मॉडल में फोकस किया गया है इस मॉडल की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि इसमें स्ट्रेटजिक फोकस्ड है बेस्ड ऑन द टेक्टिकल प्रोसेस विच पुट्स द नॉलेज मैनेजमेंट एक्शन इंटू कॉन्टेक्सट अब इसके मीनिंग ये हैं कि नॉलेज मैनेजमेंट जो है वो टेक्टिकल लेवल पर उसको स्टडी किया जाता है और वो स्टडी इसलिए किया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कि उसके नतीजे में आप वैल्यू क्रिएट करें और ख़ास तौर पर इसमें कॉन्टेक्ट का लिहाज रखा जाता है तो हम जो है वो नेक्स्ट मॉड्यूल में इसकी पूरी तफसल इस मॉडल की आपके सामने रखेंगे